Hey guys, welcome back in the new video. And in this today's video, we are going to discuss about top 20 to 25 स्मार्टफोन ब्रांड्स इन द वर्ल्ड. जी बिल्कुल, मतलब वैसे तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग तरीके से स्मार्टफोन बनाती हैं, लैपटॉप बनाती हैं, इसके साथ साथ कंप्यूटर्स बनाती हैं, टैबलेट्स, आईफोन, आईपैड वगैरह बनाती हैं. लेकिन अगर हमें इनमें से चूज़ करना हो कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो बेस्ट स्मार्टफोन बनाती हैं, ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जिसके आप स्मार्टफोन ले सकते हो, तो उसी को एक्सप्लोर करेंगे इस पूरी वीडियो में. और इस पूरी वीडियो में लगभग 20 to 25 ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड्स के नाम बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि आपको जरूर अपनी लिस्ट में ऐड करने चाहिए. कल को आप अगर किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन खरीदो तो आप इन ब्रांड के स्मार्टफोन ले सकते हो. ये सारे स्मार्टफोन के ब्रांड टॉप ब्रांड्स में से एक हैं. लगभग हमारे पास इस लिस्ट में लगभग 20 से 25 ऐसे टॉप 20 to 25 स्मार्टफोन ब्रांड्स के नाम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है चैनल को, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं. इस तरीके के कंटेंट, इस तरीके की चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से भी. इसके साथ साथ हम टेलीग्राम पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, ट्विच पर भी हैं, स्नैपचैट पर भी हम आपके लिए हैं. तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं. तो इस वीडियो की मदद से मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 20 to 25 ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड्स जिनके स्मार्टफोन आप ले सकते हो. जी बिल्कुल, आपने सही सुना. वैसे आप देखिए, आप इतना देखेंगे पूरे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्मार्टफोन बनाती हैं, मोबाइल्स फ़ोन बनाती हैं, आईफोन बनाती हैं, बट आप उनमें से कैसे चूज़ करोगे कि किस कंपनी का स्मार्टफोन आपको लेना है, किस कंपनी का मोबाइल आपको लेना है, वो भी स्मार्टफोन. स्मार्टफोन मतलब टच स्क्रीन फ़ोन, ऐसे मोबाइल्स, ऐसे फ़ोन्स जो आप टच कर कर चलाते हैं. जैसे कीपैड वाले की बात करूँ दोस्तों, तो कीपैड वाले स्मार्टफोन अब पुराने हो गए. अब मार्केट में आते हैं टच फ़ोन्स, यानी कि टच स्क्रीन मोबाइल्स. और आपने सोचा है कि आपको लेना है ऐसे मोबाइल या ऐसे स्मार्टफोन जो कि बेस्ट कंपनी के हैं, तो आप कैसे चूज़ करोगे? तो उसी लिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ स्पेशल, और आपको इस वीडियो से बताने जा रहा हूँ टॉप 20 to 25 स्मार्टफोन ब्रांड्स, यानी कि ऐसी कंपनियाँ जिसको आप चूज़ कर सकते हैं, अपने इन कंपनियों के स्मार्टफोन खरीद सकते हैं. ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड इम्पॉर्टेंट है. आप दुनिया के किसी भी एरिया से देख रहे हो, किसी भी देश से देख रहे हो, वर्ल्ड में कहीं से भी देख रहे हो, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और समझना. इस वीडियो की मदद से आपको 20 से 25 ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड के नाम पता लगेंगे पूरे वर्ल्ड में, जिसको आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो और चाहो तो इन कंपनियों के स्मार्टफोन ले सकते हो. ठीक है, अगर आपको स्मार्टफोन लेने के लिए डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो. उस कूपन कोड से आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा. और ये आप फ्लिपकार्ट पर लगा सकते हो, क्रोमा पर लगा सकते हो, अमेजोन पर लगा सकते हो, और उससे सीधा सीधा डिस्काउंट आप ले सकते हो. किसी भी शॉपिंग प्रोडक्ट पर, आइटम पर सीधा सीधा आपको फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट डिस्काउंट के लिए, मैंने आपको डिस्काउंट के लिए कूपन कोड दिया है, उसको यूज़ करके आप शॉपिंग एप्स पर डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर, आइटम पर. चाहे आप उसको मिंत्रा से बाय करें, या मीशो से, या फ्लिपकार्ट से, या फिर अमेज़ॉन, या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से भी बाय कर रहे हो, तो आप मेरे द्वारा दिया गया डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करके वहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हो. तो इस वीडियो से हम समझेंगे लगभग 20 to 25 स्मार्टफोन ब्रांड्स इन द वर्ल्ड. तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं. देखिए, इसमें क्या है ना, इस लिस्ट में हमने आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांड के नाम बताए हैं, बल्कि हमने ये तक बताया है कि वो स्पेशल क्यों है. जैसे मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि आप स्मार्टफोन अगर ले रहे हो तो एप्पल कंपनी का लो, तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है. तो उसके बारे में भी मैं दो चार लाइन आपको बताऊंगा. तो
तो वो भी आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमसे सीधा सीधा ज्वाइन हो जाएं, सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नए मज़ेदार कंटेंट के लिए, ऐसे ही मज़ेदार नई नई वीडियोस के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे तो marketing91.com नाम की एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको डिटेल मिल जाएगी, आप पढ़ते हो यहाँ पर, तो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड्स के अंदर। वैसे तो आप देखिए, अगर आप कोई सा भी स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो बट फीलिंग लॉस्ट इन द सी ऑफ चॉइसेस, कि आपको पता है इतनी सारी चॉइसेस हैं कि आप कौन सा स्मार्टफोन कौन से ब्रांड का लोगे, सबसे पहले आपको कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ती है। कहने को तो आप बजट से भी ले सकते हैं, मतलब कई लोग ऐसा ही करते हैं कि उनका बजट होता है कि भाई 10,000 का बजट है, 20,000 का बजट है, तो वो बजट से स्मार्टफोन लेते हैं। लेकिन अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है, आपको चाहिए ब्रांडेड चीज़, ब्रांडेड मोबाइल या ब्रांडेड स्मार्टफोन, तो ऐसे में आप एप्पल चूज़ करो या गूगल चूज़ करो या शाओमी का चूज़ करोगे तो ये बेस्ट है। ठीक है, तो इस लिस्ट में मैंने सारे डाल रखे हैं। अब सबसे पहले आपके लिए ये आ जाता है कि आपको लेना है नया फ़ोन, न्यू स्मार्टफोन लेना है, बट आपको दिख रहा है कि इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे ब्रांड हैं, आप उसमें से किस कंपनी का स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे, ये कैसे चूज़ करोगे। इसीलिए मैं इस लिस्ट में आपको डिस्कस करके दे रहा हूँ बेस्ट 20 to 25 स्मार्टफोन के ब्रांड के नाम। ठीक है, सबसे पहले तो एप्पल को जानते हैं लोग। एप्पल जो है वो फैंसी आईफोन्स बनाता है, फैंसी मतलब इस तरीके के आईफोन बनाता है जिसकी मदद से जो लोगों की काफ़ी लोगों को पसंद आता है, टू द वॉलेट फ्रेंडली ऑप्शंस फ्रॉम शाओमी, अगर आप चाहें तो शाओमी। अब देखिए, अब गूगल भी एक स्मार्टफोन बनाते हैं, गूगल कंपनी भी स्मार्टफोन बनाता है तरह तरह के, और मैं आपको कहूँगा गूगल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप एप्पल, शाओमी और गूगल के साथ जा सकते हो खरीदने के लिए, ये सारे ऑप्शन बेस्ट हैं। ऑसम पिक्सल्स मिल जाती है, मतलब बहुत अच्छा एडवांस क्वालिटी होती है इसमें। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग अ फ़ोन दैट डज वट यू नीड, टॉकिंग ग्रेट पिक्चर्स। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मोबाइल के अंदर स्मार्ट पिक्चर चाहिए या लास्टिंग लास्टिंग की बात करूँ तो लास्ट के सारे दिनों में देखा ये गया है विदाउट चार्जिंग और बींग ईजी टू यूज़। दस इन दिस आर्टिकल वी डिस्कस द टॉप स्मार्टफोन ब्रांड्स, मतलब कि टॉप स्मार्टफोन ब्रांड के नाम इस वीडियो में बताएंगे जहाँ से आप अपनी मर्जी से स्मार्टफोन खरीद सकते हो। सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में आता है एप्पल। एप्पल कंपनी स्मार्टफोन बनाने में एक्सपर्ट है, आईफोन नाम से बनाती है, बहुत वेल मैनर्ड एक मतलब वेल वेल कनेक्टेड एक कंपनी है जो कि हर देश में उसका नेटवर्क है, आपको वहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाता है। मैं ये वीडियो हिंदी में लूँगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसको इंग्लिश में या आप दूसरी लैंग्वेज में भी लो जैसे जर्मनी या फ्रांस या दूसरी भाषाओं में, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो का कैप्शन ऑन कर लो। कैप्शन में आपको आसानी से ऑप्शन मिल जाएगा कि आप मेरी बात को गुजराती में भी, मराठी में, पंजाबी में, बंगाली में, उड़िया में या दूसरी लैंग्वेज में, सपोज़ अरेबिक है या रशियन है या चाइनीज़ लैंग्वेज है, तो आप उसमें भी मेरी बात को समझ पाओगे। ठीक है, आप मान लेता हूँ, मैं आप मेरे को देख रहे हैं चाइना से, तो क्या आपको हिंदी समझ आ रही होगी? हो सकता है, और मोस्ट ऑफ़ द पीपल्स को हिंदी समझ आती हो, बट किसी को नहीं आती है तो वो चाइनीज़ का भी ऑप्शन चूज़ कर सकता है मेरी बातों को समझने के लिए। तो पहला नंबर है एप्पल इंक, एप्पल कंपनी है, तो यहाँ पर इस तरीके का लोगो आता है उसके स्मार्टफोन्स पर। थोड़ा नीचे चलूँगा दोस्तों तो 1976 में ये कंपनी शुरू हुई थी, ये एक अमेरिका देश से शुरू हुई थी, ये मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, मतलब हर देश में ये ऑपरेट करती है, टेक्नोलॉजी से जुड़े काम करती है। बेस्ट नोन फॉर इट्स रेंज ऑफ आईफोन्स, इसको जानते हैं हम कि ये अच्छे आईफोन बनाती है, आईपैड्स बनाती है, मैक भी बनाती है और मैक कंप्यूटर्स भी बनाती है। एज अ क्रिटिकल प्लेयर इन द ग्लोबल ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर, जैसा कि हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर है इस कंपनी का, मतलब बहुत अच्छे से मतलब फैली हुई है पूरे मार्केट में, और लोग इसके शेयर मार्केट में भी लोगों का इस कंपनी के लिए बहुत पैसा लगा हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि एप्पल बोस्ट अ यूनिक iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अ सीमलेस इको सिस्टम ऑफ डिवाइसेस सर्विसेज और एनहेंसिंग यूजर एक्सपीरियंस। एट अ मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं आपको बता दूँ, लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर तक की इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब कि लगभग 3 लाख डॉलर तक की इसकी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है।
यानी ऑलमोस्ट हो जाता है 300 लाख करोड़ रुपए तक का इसके पास रुपा बना हुआ है। क्या आप लोग बिलीव करोगे ऐसी बातों पर? बिल्कुल सही बात है कि लगभग 3 लाख करोड़ डॉलर, ऑलमोस्ट 300 लाख करोड़ रुपए के करीब करीब इसका नेट ऑफ वर्थ है पूरे इस एप्पल कंपनी का, और इसके स्मार्टफोन्स, इसके आईफोन्स, आईपैड्स और मैक कंप्यूटर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शंस अगर आप ले रहे हो। ठीक है, एप्पल होल्ड करता है एक डोमिनेंट पोजीशन इन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में सबसे ऊपर है ये। एप्पल्स पॉपुलैरिटी लार्जली स्टेम्स फ्रॉम इट्स यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, कटिंग एज डिज़ाइंस, इसके साथ साथ रेप्यूटेशन भी है इसकी, मतलब कि ये जिम्मेदार रहता है कि अपना प्रोडक्ट बढ़िया से बढ़िया आपको देता है। कंपनी फोकस कर रही है ऑन डिलीवरिंग अ प्रीमियम एक्सपीरियंस थ्रू हाई क्वालिटी मटेरियल्स, इसके साथ साथ अनपैरेलल्ड परफॉर्मेंस, फॉरेस्टिंग, देखिए फॉस्टरिंग फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ ब्रांड लॉयल्टी अमॉन्ग्स इट्स कस्टमर्स। सेकेंड नंबर पर हमारे पास है गूगल। आप अगर स्मार्टफोन के लिए बेस्ट ब्रांड ढूंढ रहे हो तो गूगल भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। गूगल भी बहुत सारे स्मार्टफोन बनाता है। ग्लोबल लेवल पर एक वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब कि ग्लोबल लेवल पर लीड करता है स्मार्टफोन बेचने के लिए। और इसके साथ साथ गूगल स्टैंड आउट विद इट्स फ्लैगशिप पिक्सल सीरीज लाता है पावर्ड बाय स्टॉक एंड्रॉयड ओएस, दस प्रोवाइडिंग रेगुलर अपडेट्स एंड अ क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है। मतलब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे जब अपने स्मार्टफोन में, तो बड़ी आसानी से उस ऐप को यूज़ कर पाओगे। ये भी एक फीचर उसके अंदर मिलेगा। गूगल की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 ट्रिलियन की है, मतलब कि एप्पल से लगभग लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर कम है, लेकिन फिर भी गूगल अच्छे स्मार्टफोन बनाता है। अगर आप बेस्ट स्मार्टफोन के लिए ब्रांड ढूंढ रहे हो तो पहले नंबर पर एप्पल है, दूसरे पर गूगल है। गूगल बड़े बढ़िया से फ़ोन बनाता है, बड़े एक्सक्लूसिव, बड़े एडवांस डिज़ाइन के साथ। इसके साथ साथ इट्स पिक्सल सीरीज इज़ लाउडेड फॉर इट्स एक्सेप्शनल कैमरा टेक्नोलॉजी। इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन मिलता है, सीमलेस सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप एक स्मार्टफोन सेक्टर में जाओगे, अगर एक स्मार्टफोन लोगे तो आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। यूज़र हु वैल्यू अ प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस ऑफन फेवर गूगल डिवाइसेस। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो, अगर एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करना चाह रहे हो तो गूगल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। थर्ड नंबर पर हमारे पास सैमसंग है। सैमसंग भी एक वेल्ड वेल्ड नोन कंपनी है, और सैमसंग जो कंपनी है वो 1940 में स्टार्ट हुई थी, और ये एक साउथ कोरियन कंपनी है, मतलब साउथ कोरिया से शुरू हुई थी। आज के समय काफ़ी ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं होगा, साउथ कोरिया से शुरू हुई थी ये कंपनी 1940 के करीब। ये एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट है, मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके साथ साथ इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, सर्विसेज हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े एडवांस हैं। सैमसंग को जाना जाता है सैमसंग के गैलेक्सी जैसे स्मार्टफोन बनाने के लिए। लाइन ऑफ स्मार्टफोन्स मेड सैमसंग अ फोर्स टू रेकॉन विद, दिस इज सैमसंग। इसके साथ साथ स्मार्टफोन मार्केट में बहुत अच्छा नाम इसका बना हुआ है। दूसरा जो आप देखोगे ना, तो सैमसंग कंपनी की टोटल वॉर्थ अगर आप चेक करोगे, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कितना कितना बड़ा बिजनेस है जो सैमसंग का है, तो लगभग लगभग 400 बिलियन डॉलर, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए ये 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ डॉलर तक का इसका बिजनेस है। 40,000 करोड़ तक का, बिलियन में, ठीक है, मतलब कि 40,000 करोड़ डॉलर तक का ये बिजनेस अभी चल रहा है। बिल्कुल आपने सही सुना, बहुत बड़ा अमाउंट है ये 40,000, ठीक है, 40,000 करोड़ ये डॉलर में है, ठीक है। तो इसको आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट आप 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचोगे। इतना बड़ा बिजनेस है सैमसंग का, और आप, मैं मान के चलिए कि आप इस कंपनी के स्मार्टफोन को अपनी लिस्ट में डाल सकते हो। तीसरे नंबर पर, पहले पे एप्पल को रखो, दूसरे पर सैमसंग गूगल को, और तीसरे में आपको सैमसंग को रखना है। अब इसकी क्वालिटी आप खुद पढ़ के समझ सकते हो। फोर्थ नंबर पर सोनी कंपनी है। सोनी भी स्मार्टफोन के लिए बेस्ट रहती है। इसको फोर्थ नंबर इसलिए मिला है क्योंकि पहले ही 3 रैंक पहले ही लोगों ने ले ली है। पहले नंबर पर एप्पल है। हालांकि एप्पल के स्मार्टफोन्स काफ़ी महंगे एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब महंगे काफ़ी तो नहीं, कुछ देशों के कंपैरिजन में लोग महंगा समझ सकते हैं,
जनरली महंगा नहीं है, एक अच्छा अमाउंट है। आप सैमसंग को आप एप्पल को सबसे नंबर वन पर डालो अपनी लिस्ट में स्मार्टफोन लेने के लिए, सेकंड नंबर पर गूगल को डालो, तीसरे पर सैमसंग को, चौथे पर सोनी को। देखिए इनके फीचर आप खुद पढ़ सकते हैं। सोनी जो कंपनी है वो सोनी जापान से शुरू हुई थी, जापान देश से सोनी कंपनी ने अपना व्यवसाय शुरू किया था बिजनेस, और 1946 में शुरू कर चुके थे ये। आज तो 2024 है, यानी लगभग लगभग 80 साल इनको भी हो गए हैं इस मार्केट में। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ बनाते हैं, इसके साथ साथ गेमिंग से जुड़ी चीज़ें, एंटरटेनमेंट के प्रोडक्ट्स वगैरह भी इन लोगों ने बनाए हैं इन द सैमसंग। एक चीज़ और याद रखिए, सोनी जो कंपनी है वो स्मार्टफोन के इंडस्ट्री में बहुत बेस्ट है, आप सोनी के भी स्मार्टफोन ले सकते हैं। लोग कहते हैं जनरली हमने सोनी के स्मार्टफोन लोगों के पास देखे नहीं हैं, हम लोगों के पास ज़्यादातर स्मार्टफोन देखते हैं तो वो एंड्रॉयड देखते हैं, चाहे वो हम एप्पल को देख लें या फिर हमने देखा है कि गूगल और सैमसंग के स्मार्टफोन ज़्यादा लोग लेते हैं, बट सोनी भी एक बेस्ट ऑप्शन है स्मार्टफोन लेने के लिए। आप इससे भी ले सकते हो, 121 बिलियन डॉलर तक का इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट में व्यवसाय इतना फैला हुआ है, लगभग 12 हज़ार करोड़ डॉलर का इसका व्यवसाय फैला हुआ है। मतलब कि सोनी का जो बिजनेस है वो 12,000 करोड़ डॉलर तक का अभी पूरा मार्केट में चल रहा है। फिफ्थ नंबर पर मोटोरोला है, मोटोरोला भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आप स्मार्टफोन के लिए, इसको 5वें नंबर पर इसके ब्रांड में रख सकते हो। इसके फीचर्स वगैरह आप जान लेना कि क्यों हम मोटोरोला को चूज़ करें, क्योंकि भाई मोटोरोला एक अच्छी कंपनी है, बड़ी काफ़ी बड़ा बिजनेस है उसका, और इसके साथ साथ वो आपको अच्छे स्मार्टफोन देती है, अच्छे फीचर्स के साथ सस्ते रेट में देती है, बहुत सारी क्वालिटी उसके अंदर आती है। मतलब ये कंपनियां ना तो क्वालिटी के साथ, ना क्वांटिटी के साथ, ना प्राइस में ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, बल्कि ये आपको अच्छे से अच्छे बेस्ट रेट में आपको मिलती हैं सारी चीज़ें। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें हमारे देश चाइना के लिए बता दो कि बेस्ट 15 चाइनीज़ फ़ोन ब्रांड्स कौन से हैं। तो मैं कंट्री स्पेसिफिक में बोल रहा हूँ ना, कि कंट्री स्पेसिफिक मैं जल्द ही लूँगा वीडियो। अभी क्या है ना, हम एट जनरल लेवल पर ले लेते हैं, तो हम जनरल लेवल पर पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम आपको क्लियर कर देते हैं, बट जल्द ऐसा लग रहा है कि हम इसको कंट्री वाइज भी आपके लिए हर एक टॉपिक को लेंगे, जिससे कि आपके खुद के स्पेसिफिक एरिया के लिए स्पेसिफिकेशन हो जाए। जैसे कोई बंदा कह रहा है कि मुझे चाइना के बता दो कि चाइना के बेस्ट स्मार्टफोन के ब्रांड कौन से हैं, तो उस पर वीडियो मैं आपके लिए जल्द लूँगा, ठीक है। सोनी के बाद मोटोरोला है 5th नंबर पर, शाओमी 6th नंबर पर है। आप चाहो शाओमी, देखो शाओमी अभी नया शुरू हुआ था, शाओमी 2010 में शुरू किया था इन लोगों ने, 2010 में, आज 14 साल कंप्लीट करे हैं इन्होंने, और ये भी एक चाइनीज़, मतलब चाइना से शुरू हुआ था ये कंपनी, एक मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, स्पेशली ये ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं। और आप चाहो तो इनके भी स्मार्टफोन ले सकते हो, जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि MI सीरीज़, रेडमी सीरीज़, इसके साथ साथ आपको पोको सीरीज़ के भी स्मार्टफोन यहाँ से मिल जाते हैं। लगभग 40 बिलियन डॉलर तक का इसका अभी तक मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आप शाओमी को भी अपने लिस्ट में रखो, अगर आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो शाओमी को लिस्ट में डाल लो, ये मैं आपको कह रहा हूँ बेस्ट कंपनी है स्मार्टफोन के मामले में, ठीक है। तो ये हमने लगभग आपके लिए इस वीडियो के अंदर निकाला है 20 से 25 बेस्ट स्मार्टफोन के ब्रांड या स्मार्टफोन कंपनी, जिनके स्मार्टफोन आप ले सकते हो यूज़ करने के लिए, ठीक है जी। अब 5th नंबर आपने जाना, 6th आपने शाओमी जाना। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि हर कंपनी के साथ साथ उसके नाम के साथ साथ आप ये भी पढ़ो कि वो कितना बड़ा उसका व्यवसाय है, कितना बड़ा बिजनेस उसका है। 7th नंबर पर हमारे पास आता है JTE। JTE एक कंपनी है, और JTE के कंपनी का व्यवसाय काफ़ी बड़ा है, ये भी स्मार्टफोन बनाने में बहुत मस्त है। इसको मैं आपको बता दूं, ये रोबस्ट फीचर्स देती है, इसके साथ साथ आप इसको यूज़ करोगे तो आपको फ्रेंडली एक्सपीरियंस आएगा, बहुत अच्छा लगेगा यूज़ करते समय। 8वें नंबर पर आसूस है, आसूस कंपनी वैसे तो लैपटॉप में एक्सपर्ट है, बट मोबाइल में, स्मार्टफोन में पीछे नहीं है, स्मार्टफोन भी बहुत अच्छे बना रही है आसूस, तो आप इससे भी ले सकते हो। 1990 में शुरू हुआ था ये, और आज इसको लगभग 35 ईयर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका यूनिक पोजिशनिंग है, मतलब कि ये टॉप टॉप लोगों में आते हैं ये लोग, आसूस वाले लोग स्मार्टफोन बनाने के लिए।
नाइन्थ नंबर पर ट्रांसेशन आ जाता है, ट्रांसन देखिए कंपनी का नाम है ट्रांसन, तो ट्रांसन कंपनी जो है वो ट्रांसन होल्डिंग्स नाम से है, ट्रांसन ट्रांसन होल्डिंग ये कंपनी का नाम है। वैसे तो ये चाइना में ज़्यादा व्यवसाय कर रही है, चाइना से शुरू करा था इन्होंने, चाइना में मेनली ज़्यादा इनके स्मार्टफोन बिकते हैं, बट ये इंडिया में भी मिल जाएगा। इंडिया के साथ साथ आप इससे रशिया में, कोरिया में, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में, कतर में, कुवैत में, इसके साथ साथ यूक्रेन में, और दूसरे देश की बात करूँ जैसे इंडोनेशिया है, ईरान और इराक, इटली और बाकी जितने भी आपके कंट्री हैं, सब जगह आपको इसका स्मार्टफोन मिल जाएगा। बेस्ट कंपनी है स्मार्टफोन के मामले में ट्रांसन, ट्रांसन होल्डिंग्स, पूरा नाम सुनिए, ट्रांसन होल्डिंग्स नाम है। आप इससे भी अपने लिए स्मार्टफोन ले सकते हो। ये लोग फोकस करते हैं एडोडेबिलिटी एंड लोकलाइज्ड फीचर्स के साथ, आपको बेस्ट स्मार्टफोन देते हैं। HTC, HTC भी एक कंपनी है, HTC, सिर्फ उसका नाम ही वो है HTC, इंग्लिश ABCD का एक वर्ड HTC इस कंपनी का नाम है। ये कंपनी ताइवान देश से, ताइवान से शुरू हुई थी और ये 1997 में इन्होंने शुरू किया था, आज 2024 में इनका बड़ा अच्छा खासा बिजनेस लेवल है। आप मानोगे नहीं दोस्तों, इनके स्मार्टफोन बेस्ट माने जाते हैं। इनका जो बिजनेस होल्डिंग है पूरे वर्ल्ड में लगभग 1.7, यानी कि लगभग लगभग 2 बिलियन, 2 बिलियन कितना हो जाता है भाई, 2 बिलियन होता है लगभग लगभग 200 करोड़ डॉलर, 200 करोड़ डॉलर मीन्स हो जाता है लगभग लगभग 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय चला रही है HTC। पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 20,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है, दोबारा सुन लो, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, 20,000 करोड़ रुपीज़, यानी 20,000 करोड़ रुपए का इसका टोटल बिजनेस अभी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये डॉलर हटा दो, यहाँ पर INR लगा लेना, ये रुपए हैं, ठीक है, तो 20,000, लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इसका खुद का बिजनेस है ITC का। दोबारा क्लियर कर देता हूँ, HTC का। तो ये कंपनी भी बेस्ट रहेगी स्मार्टफोन के मामले में, टॉप 10 में इसकी रैंकिंग है। बाकी इसके फीचर्स की बात करता हूँ दोस्तों, तो फीचर इस तरीके के हैं, बहुत तगड़े मतलब बेस्ट डिज़ाइन बना रही है, ऑडियो कैपेबिलिटी अच्छी है, बिल्ड जो बिल्ड डिज़ाइन किया है, जिस तरीके से स्मार्टफोन बनाया गया है बहुत तगड़ा बनाया है। उसके साथ साथ 11 नंबर पर HMD, ये 11 नंबर पर है, नोकिया की कंपनी है जिसका नाम है HMD ग्लोबल, ठीक है, तो आप इसको भी लिस्ट में डाल सकते हो। इसको इसको आप लोग करना है ऐसा, जो आपको ऊपर मैंने 10 बताए उनको पहले लिस्ट में रखना, लिस्ट में इसको आके बाद में रखना, क्योंकि वो सारी बेस्ट हैं इससे भी। तो HMD ग्लोबल नोकिया की है, बेस्ट कंपनी है, लगभग 20 बिलियन का इसका जो है, 20 बिलियन डॉलर तक का इसका व्यवसाय चल रहा है पूरे वर्ल्ड भर में। और ये एक वो कंपनी है जो फिनिश कंपनी है, मतलब फिनिश से शुरू हुई थी, फिनिश कंपनी, और एक्चुअल में दोस्तों ये जो दैट परचेज द राइट टू द नोकिया ब्रांड, मतलब ये नोकिया का ही ब्रांड है, ठीक है, इसके बारे में आप एनालाइज कर सकते हो, ब्रीफ हिस्ट्री जान सकते हो। नोकिया जो है वो 1998 से 2008 तक उसने अपना व्यवसाय किया था। अगर मैं थोड़ा इसमें और आगे बढ़ता हूँ तो इसमें आपको दिखेगा कि HMD ग्लोबल नोकिया, तो आपको सारा इसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, बहुत बेस्ट कंपनी है स्मार्टफोन लेने के लिए। 12th नंबर पर हुआवे है, हुआवे जो कंपनी है वो 12वें नंबर पर है, ये भी एक चाइनीज मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये 1987 में इसको शुरू किया गया था और ये चाइना से शुरू हुई थी हुआवे, और ये भी एक बेस्ट कंपनी स्मार्टफोन के लिए हो सकती है, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ ब्रांड के नाम बात कर रहे हैं, मतलब उन कंपनियों के नाम बात कर रहे हैं जो कि स्मार्टफोन बनाती हैं, तो बेस्ट स्मार्टफोन कंपनियों के ब्रांड के नाम और उनका कितना वर्थ है वो तो आप चेक कर ही लेना, बाकी फीचर वगैरह आप देखते रहना तो वो भी आपकी मदद करेंगे। 13वें नंबर पर हमारे पास ओप्पो है, ओप्पो में आप देखोगे तो इंक्लूड्स वन प्लस, वन प्लस और ओप्पो ये दोनों इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, मतलब आप चाहो तो आप ओप्पो भी ऑप्शन ले सकते हो या वन वन प्लस के साथ भी जा सकते हो, वन प्लस भी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए, वन प्लस और ओप्पो दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। ओप्पो कंपनी चाइना से है, चाइना देश की कंपनी है, लेकिन व्यापार पूरे दुनिया भर में चल रहा है, दूसरे देशों में भी चल रहा है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, तो ओप्पो कंपनी
बेस्ट रहेगी। 14 नंबर पर हमारे पास वीवो है, वीवो का भी स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। ऑनर, इसको ऑनर बोलते हैं, याद रखिए ये हॉनर है, लिखा हुआ तो हॉनर है बट इसको ऑनर कहते हैं लोग, तो ऑनर कंपनी भी बेस्ट है क्योंकि ये लोग अच्छा डिज़ाइन देते हैं, बहुत अच्छा लुक देते हैं, बहुत अच्छे खासे फीचर के साथ स्मार्टफोन बनाते हैं। रियलमी अलग है। देखिए अगर आपने सोचा कि रेडमी और रियलमी, आपको क्लियर बता दूं, शाओमी कंपनी बनाती है रेडमी और रियलमी अलग है, मतलब रियलमी अलग है और शाओमी का रेडमी अलग है, इसमें डिफरेंस समझिएगा। रियलमी कंपनी अलग कंपनी है और शाओमी का रेडमी अलग कंपनी का, अलग मॉडल का स्मार्टफोन है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है। तो रियलमी 16 नंबर पर आप लिस्ट में रख सकते हो। ज़्यादातर जितनी भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं सारी ऑलमोस्ट चाइना की हैं, बाकी कुछ दूसरे देश की भी हो सकती हैं बट ऑलमोस्ट सारी चाइना देश की हैं। मतलब ये नहीं है कि चाइना की है तो ट्रस्ट नहीं करना भाई, चाइना की जो इकोनॉमी आप जानोगे ना, तो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी में से आता है चाइना, मतलब कि वो चाइना जो देश है उसकी इकोनॉमी वर्ल्ड के दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। सोचने वाली बात है कि टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमी में चाइना का भी नाम है, जबकि वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज़ हैं, टोटल 195 देश हैं, उसमें से टॉप 5 में आना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आप चाइना के भी कंपनियों के स्मार्टफोन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखिए आखिरकार चाइना टॉप 5 इकोनॉमी में कैसे आया है, उसका कारण है कि वहाँ पे तरह तरह के स्मार्टफोन वहाँ से कंपनियाँ शुरू होती हैं, लैपटॉप बनाती हैं, स्मार्टफोन बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाती हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस, ठीक है, ये सब वहीं की एसेसरीज हो गई, अप्लाइंसेस हो गए, ये लैपटॉप्स हो गए, टेक्नोलॉजी से जुड़े जितने भी गैजेट्स हैं सब चाइना से ज़्यादातर इम्पोर्ट होते हैं, मतलब चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं दूसरे देशों में, मतलब दूसरे देशों के लिए इम्पोर्ट होता है और उसके लिए चाइना के लिए स्पेशली वो एक्सपोर्ट है, तो इस वजह से ये टॉप कंपनियाँ वहीं से शुरू हुई थी। तो 16 नंबर पर रियलमी है, मैं आपसे कहूँगा कि आप रियलमी को लिस्ट में डाल सकते हो। अब टेक्नो मोबाइल, आपको या अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, एक सब्सिडरी था ये इन 2018 में, रियलमी जो है वो ओप्पो कंपनी का सब्सिडरी था, मतलब 2018 में रियलमी एक्चुअल में ओप्पो के अंडर आता था। लोगों को ये भी नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, आपने अगर ओप्पो कंपनी का नाम सुना है तो ओप्पो कंपनी के अंडर ही काम करती थी रियलमी, अब रियलमी अलग हो गई है और ओप्पो अलग है, मतलब ओप्पो अलग कंपनी हो गई, रियलमी अलग हो गई। पहले आपको बता दूं रियलमी जो है वो अलग ओप्पो के अंदर ही एक सब्सिडरी था 2018 में, लेकिन अब आप समझिए कि रियलमी अलग है, ठीक है। 17 नंबर पर टेक्नो मोबाइल, टेक्नो मोबाइल भी अच्छी कंपनी रहेगी, बेस्ट कंपनी फॉर बाइंग द स्मार्टफोन। 18 नंबर पर इनफिनिक्स, ठीक है, ध्यान से सुनिए, इनफिनिक्स मोबाइल, यह 18वें नंबर पर है। द फ्यूचर इज़ नाउ, और इन्फिनिक्स के भी बहुत अच्छे अच्छे मॉडल आ रहे हैं, मैं फिर कभी आपको एक वीडियो में अलग से बहुत सारे स्मार्टफोन के मॉडल वगैरह बताऊंगा, पूरी डिटेलिंग करूंगा, फीचर वगैरह बताऊंगा कि कैसे स्मार्टफोन के अंदर बेस्ट फीचर्स आ रहे हैं, तो इन्फिनिक्स आपके लिए बढ़िया रहेगा अगर आप इसको भी चूज़ करते हो स्मार्टफोन के लिए। इंटेल कंपनी, वैसे तो इंटेल आपने देखा होगा लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर वगैरह रहता है, ठीक है, वो इंटेल कंपनी वालों का होता है और इंटेल कंपनी उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, बट इंटेल के मोबाइल भी आते हैं और बेस्ट हैं वो, ठीक है। और 20वें नंबर पर आ जाता है जियोनी, आपने नाम सुना हो तो बढ़िया है, जियोनी इसका सिंबल ऐसे है, जी ऑरेंज कलर से जी बना दिया और आगे उसको आई ऊपर से ऐसा बनाया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा ये, इसका नाम है जियोनी और जियोनी इज़ बेस्ट कंपनी फॉर द स्मार्टफोन, ठीक है। तो ये लिस्ट है, आप चाहो तो यहाँ पर कुछ रिलेटेड पोस्ट हैं, जैसे कि 20 या 30 ऐसे स्मार्ट ऐसे होटल ब्रांड इन द वर्ल्ड, इसके साथ साथ हैंडबैग ब्रांड्स, इसके साथ साथ अप्लाइंसिस के ब्रांड, उसके अलावा गिटार के ब्रांड, कंप्यूटर ब्रांड्स, मोस्ट एक्सपेंसिव क्लोथिंग ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, आप इसके लिए इतनी सारी लिस्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ये सारी बेस्ट रहेंगी, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भी आप इधर देख सकते हो, ये सारी आपके लिए बेस्ट है। अब मेरे हिसाब से आप इस वीडियो के थ्रू समझ गए हैं 20 से 25 टॉप ऐसे स्मार्टफोन की कंपनियां, स्मार्टफोन के
ब्रांड के नाम, ना कि सिर्फ नाम बल्कि उसकी डिटेल भी आप समझ गए। अभी मैं इसी लिस्ट को दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। पहली लिस्ट हमारी जो थी वो मार्केटिंग 91 वेबसाइट से थी, जो कि हमारी स्पॉन्सर वेबसाइट है, मतलब कि ये हमें स्पॉन्सर कर रही है वीडियो में। इसके साथ साथ बिज टेक इंटरनेशनल वेबसाइट है, इसने भी लिस्ट बताई है लगभग 25 मोस्ट पॉपुलर फोन ब्रांड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस लिस्ट में सबसे पहले एप्पल आ जाता है। आप इसके बारे में अबाउट में पढ़ सकते हो जाके, कि भाई इस कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हो। ट्रस्टेड कंपनी है, आप मानोगे नहीं, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ल्ड में एप्पल का है। ठीक है, लगभग अभी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग अभी तक 200 करोड़ से ज़्यादा आईफोन बेच चुकी है। बिल्कुल आपने सही सुना है, 200 करोड़ प्लस आईफोन्स अभी तक एप्पल ने सोल्ड कर दिए हैं, बेच डाले हैं। कितने भाई? 200 करोड़। सोच रहे हैं कितने आईफोन होते हैं? इतने आईफोन आज तक बेच दिए इस कंपनी ने, आज सिर्फ अकेले आईफोन। बाकी ये आई इसके अलावा ये लोग मैक भी बनाते हैं, मैकबुक भी बनाते हैं, आईपैड भी बना रहे हैं, और दूसरी चीज़ें जैसे कि अलग से आपका टैबलेट वगैरह सब बनाते हैं लोग। सब चीज़ें, इनका हेडफोन, हेडसेट, सब चीज़ें बनाई जाती हैं। एप्पल ने रिलीज़ करता है आईफोन हर साल, सस्ते रेट में आपको मिलते हैं। लास्ट अभी तक iPhone 15 और iPhone 15 Pro आपके लिए मार्केट में आ रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हो। देखो, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro और iPhone 15 और iPhone 13 जैसे मॉडल हैं। सेकेंड नंबर पर हमारे पास सैमसंग है, सैमसंग भी बेस्ट है स्मार्टफोन के लिए। ठीक है, साउथ कोरियन, मतलब साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, कंपनी का नाम सैमसंग है और बेस्ट है ये। ठीक है, इसके कुछ बेस्ट मॉडल भी इन लोगों ने बता रखे हैं। देखिए कितना अच्छा है, इस लिस्ट में आपके बेस्ट मॉडल भी इन लोगों ने दे रखे हैं। तो इतना कुछ कोई एक वीडियो में कभी कभी नहीं देता है, जितना मैं एक वीडियो में आपको मोस्ट डिटेलिंग कर देता हूँ। थर्ड नंबर पर शाओमी है, फोर्थ नंबर पर आप देखोगे ओप्पो। इनकी लिस्ट में थोड़ी लिस्टिंग अलग है, कुछ मॉडल्स पहले आ रहे हैं, कुछ बाद में आ रहे हैं। ठीक है, कंपनियों के नाम, तो 5वें नंबर पर वीवो और 6th नंबर पर हुआवे। इसके साथ 7th नंबर पर मोटोरोला है और 8th पर गूगल है। ठीक है, 9th पर नथिंग और 10th पर सोनी, 11th पर आशूस और 12th पर आपको दिखेगा नोकिया, नोकिया या HMD आप कह लो इसको। और क्या नोकिया और HMD एक ही हैं? तो आप समझ लीजिए, देयर इज़ अ हाई चांस फॉर योर फर्स्ट फोन टू बी अ नोकिया। द ब्रांड वॉज अ ह्यूज नेम बैक इन द डेज वेन मोबाइल फ़ोन वर बिकमिंग द नेक्स्ट विद बिग थिंग, मतलब जब नए नए मोबाइल फ़ोन्स आए थे तो नोकिया ही टॉप ब्रांड था। हालांकि अब आप देखोगे तो इसका इतना पॉपुलैरिटी है नहीं जितना वीवो, एप्पल, गूगल, है ना, शाओमी, सैमसंग, सोनी, इनके, क्योंकि इनके स्मार्टफोन ज़्यादा, जो अपना ज़्यादा सर्विस देता है, ज़्यादा ध्यान देता है लोगों को, ज़्यादा सर्विस देगा, अच्छी फैसिलिटी देगा, ऑलमोस्ट पब्लिक वहीं चली जाती है। पब्लिक का आपको पता ही है, लोग उधर को चले जाते हैं। तो HMD ग्लोबल जो है वो कैप्ड नोकियाज ब्रांड वैल्यूज सच एज रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी और एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, कुछ ब्रांड मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, नोकिया के लगभग 5 से 6 ऐसे स्मार्टफोन इस लिस्ट में हैं। 13वें नंबर पर हॉनर आ जाता है, हॉनर ये भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। 14 नंबर पर IQ00, इसका नाम वैसे IQOO है, IQOO। फिर इसके बाद 15 नंबर पर आपको मिलता है ट्रांसन, ट्रांसन होल्डिंग्स, ये भी अच्छा रहेगा आपका, लेकिन आपके स्मार्टफोन पे ऐसा लिखा होगा ट्रांसन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास इन्फिनिक्स मोबाइल है, आता है इन्फिनिक्स मोबाइल, दोबारा सुनो, इन्फिनिक्स मोबाइल, ये 16 नंबर पर है। 17 पर HTC है, और उसके बाद हमारे पास टेक्नो मोबाइल। और अब देखिए कुछ हमारी इस तरीके की वीडियो आने वाली है जल्द ही, जिसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे नए नए प्रोडक्ट्स की, नए नए स्मार्टफोन्स की, लैपटॉप्स की, गैजेट्स की, इन सारी चीज़ों की हम अनबॉक्सिंग करके आपको वीडियोस वगैरह दिखाएंगे, जो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं। और अभी 18 नंबर पर टेक्नो मोबाइल है, 19वें नंबर पर आपको इंटेल मोबाइल, और 20 नंबर पर
JTE दिखता है। कुल मिला के आपको वही सारे ब्रांड दिखेंगे आगे पीछे जो मैंने आपको पहले दिखाए। टी मोबाइल नाम की कंपनी है, ठीक है, जियोनी है, इसके साथ साथ लावा है। लावा लावा को मैं नहीं कहता कि आप लिस्ट में बहुत ऊपर रखो, नीचे भी रख सकते हो लावा को। 24 पर म्यूजू आ जाती है, मैजू, और 25 पर आपको दिखती है वीको, ठीक है। तो आप वीको का भी स्मार्टफोन ले सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा ब्राउजिंग से समझा देता हूँ। अगर आप गूगल क्रोम पर जाते हो और वहाँ पर ब्राउजिंग करके सर्च करते हो कि टॉप 20 स्मार्टफोन ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, तो आपको मिलेगा ऑनर्स, मोटोरोला, टेक्नो, हुआवे, शाओमी, सैमसंग, एप्पल, गूगल जैसे स्मार्टफोन्स, ठीक है। देखिए एप्पल को हम टॉप पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आईफोन वगैरह बेक डालती है। आप मानोगे नहीं दोस्तों, पूरे एक साल में उसने लगभग लगभग 70 लाख स्मार्टफोन बेचे। सोचिए स्मार्टफोन 70 लाख बेचना एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। आप तो सिर्फ एक ही स्मार्टफोन यूज़ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके परिवार में कोई दो स्मार्टफोन चलाएगा या चार या पाँच, या मोस्टली हर एक के पास एक एक स्मार्टफोन होगा तो लगभग तीन चार लोग। बट कंपनी सोचिए इस तरीके से ऑपरेट करती है कि लगभग 70 लाख, 70 मिलियन लिखा है, मतलब कि ये 7 करोड़, 7 करोड़ स्मार्टफोन उसने इस साल, मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ, अकेले इस साल के अंदर एप्पल कंपनी ने 7 करोड़ आईफोन्स बेक डाले। तो कितनी बड़ी बात है कि एक एप्पल कंपनी 7 करोड़ आईफोन्स बेक रही है एक साल में, तो आप उसको टॉप कंपनी मान सकते हो। ओप्पो की बात करूँ तो ओप्पो ने भी 3 करोड़ स्मार्टफोन बेचे हैं इस साल में। इसके साथ साथ वीवो ने, आप मानोगे नहीं, वीवो ने 2 करोड़ स्मार्टफोन्स बेच डाले अकेले इस साल में। सोचिए एक अकेली कंपनी 2 करोड़ स्मार्टफोन बेच दे रही है पूरे साल भर में। इसीलिए ओप्पो, एप्पल, वीवो और वन प्लस वो जो है टॉप में आते हैं। यहाँ पर मैं आपको और तरीका दिखा देता हूँ। वैसे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूज़ करी गई है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करें कुछ भी सर्च करने के लिए, चैट जीपीटी, ओपन एआई द्वारा, इसके साथ साथ गूगल ब्राउजिंग, माइक्रोसॉफ्ट एज आप यूज़ कर सकते हो। तो हम बता देते हैं आपको टॉप 20 स्मार्टफोन ब्रांड्स इन द वर्ल्ड दोबारा से, वीवो, एप्पल, ओप्पो, सैमसंग, शाओमी, हुआवे, मोटोरोला, रियलमी, नोकिया, वन प्लस, गूगल, लिनोवो। मैं लिनोवो को भूल गया, उस लिस्ट में लिनोवो था नहीं, बट लिनोवो भी बेस्ट स्मार्टफोन बनाता है। और इसके बाद एल जी है, जे टी ई है, एच टी सी है, ओप्पो है। इसके अलावा आपको मिलता है अलग से एप्पल का iPhone 11, तो ये एप्पल में ही आ जाएगा आपका, ठीक है। टॉप 20 स्मार्टफोन ब्रांड्स है ना, तो टेक्नो मोबाइल, हॉनर्स, इसके साथ साथ एप्पल का iPhone 15, ये एप्पल में ही आएगा। इन्होंने अलग अलग मॉडल को भी स्पेसिफाई किया है, हालांकि ये सब ब्रांड नहीं, एक कंपनी में ही आता है, तो एप्पल के अंदर ही आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन हॉनर्स, उसके बाद हुआवे, आपको बताया था, ट्रांजन, आपको पहले ही बता दिया था, ट्रांजन, दोबारा सुनिए, ट्रांजन, और इसके बाद आपको एच टी सी जैसे मिलते हैं। वैसे आप लिस्ट इस तरीके की लिस्ट लिस्ट चाहोगे तो आप बिज टेक अफ्रीका, इसके साथ साथ इंटरनेशनल ब्रांड इक्विटी, 91 मोबाइल्स, और ICT बज, और इसके साथ ग्लोबल ब्रांड्स मैगजीन, याहू फाइनेंस और डिजिटल इंश्योरेंस की वेबसाइट से भी ये सारा कुछ देख सकते हो। विकिपीडिया की तरफ से भी आप देख सकते हो यही लिस्ट कंट्री वाइज, कि आपके देश में ऐसा कौन सा स्मार्टफोन का या मोबाइल फ़ोन का ब्रांड है जो टॉप है। आप सीधा सीधा विकिपीडिया से भी समझ सकते हो यही लिस्ट आपके देश के लिए, वहाँ का ब्रांड कौन सी कंपनी बेस्ट है। मेरे हिसाब से ये लिस्ट पूरी डिस्कस हो गई, किसी का कोई पॉइंट हो तो बताए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मेरे को बताए अपने नए टॉपिक, और ये भी बताए कि वो कहाँ से इस वीडियो को देख रहा था, कमेंट में मुझे ये भी बताए उसको सारा समझ आया या नहीं, और भी नए टॉपिक्स के लिए हमें बताता रहे। मैं आपसे मिलूंगा जल्द, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।